हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ भुजिया और कांदा और टमाटर की सब्ज़ी, और इसके साथ में बना रही हूँ मैं बाजरे की रोटी और गेहूँ की रोटी। तो ये दो रोटियाँ बनाऊँगी, दो तरह की रोटियाँ बनाऊँगी। जो जिसको है ना बाजरे की रोटी खानी होगी सब्ज़ी के साथ में, वो बाजरे की खाएगा। जो गेहूँ की रोटी खाना चाहेगा तो गेहूँ की रोटी खाएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना रात को पढ़ते हैं तो उनको भारी खाना खिला देंगे ना तो वो पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। इसलिए बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर मैं गेहूँ की रोटी बनाऊंगी, और जो हम लोग बड़े हैं जो हम सो जाएंगे खा पी कर, वो लोग बाजरे की रोटी खा लेंगे। तो यहाँ पे जला दिया है, गैस चढ़ा दिया है कढ़ाई, और इसमें तेल डाल दिया है। जब तक ये गर्म हो रहा है दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन प्याज लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए है, और एक लहसुन का गंठिया लिया है, जिसमें से केवल पांच पूलियाँ निकली है, जिसमें से मैं तीन डालूँगी, दो छोड़ दूँगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है। और यहाँ पर मैं प्याज एकदम छोटे छोटे पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी, क्योंकि हमें जो भुजिया डालेंगे ना उसके लिए हमें ना ज़्यादा रस्सा करना है, तरी करनी है हल्की सी। तो भुजिया यहाँ पर ताज़ा निकल रहे थे तो मैंने ताज़े ही मंगवाए हैं, ज़्यादातर मैं ताज़े ही मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकलते रहते हैं, सुबह भट्टी लगती है पास में, तो हम लोग चाहते हैं कि भी जो ताज़ा है वो ताज़े ही बनाए हुए हैं खाएँ, क्यों तो जो पड़े हुए भुजे हैं वो खाएँ हम। तो मैं ताज़े ही मंगवाती हूँ। क्या काम के लिए गया था नीचे बैठे? तो कुछ काम से नहीं था। तो पढ़ ले। पढ़ूंगा और क्या करूंगा, ठीक है। अब ऊपर जा रहे हैं क्या खेलने के लिए? सुन, पानी पी लेना, नीचे से पानी पी के चले जाना। बहुत लोग भुजिया को सेवा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बीकानेर में हम लोग भुजिया ही कहते हैं। बीकानेर में क्यों, मेरे गांव में भी भुजिया ही कहते हैं। गांव में तो हमारे और भी ज़्यादा, वहाँ मम्मी के वहाँ पे तो है ना लहसुन के गांठियाँ मिलते हैं, वो भी तो और भी टेस्टी होते हैं। वो तो होते हैं अलग टाइप के हैं, जो बड़े बड़े जाड़े जाड़े मिलते हैं, तो यहाँ पर भुजिया कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। तो चलिए अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया अच्छे से, तो इसमें डाल दूँगी मैं दालचीनी 1 इंच, 1 काली इलायची और 1 चम्मच जीरा साबुत, 2 तेज़पत्ता। इसके बाद में ये जब चटक जाए तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, और ये 2 से 3 सेकेंड तक हमें थोड़ा सा तेल में अच्छे से भुनना है, और उसके बाद में हम हमारे प्याज डाल देंगे कटे हुए। तेल में प्याज डाल देने के बाद में हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन इनको भूनना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें सारे मसाले टमाटर वगैरह सब डाल देंगे, लेकिन ये जब तक ब्राउन हो रहे हैं तब तक अपन लहसुन और अदरक है वो कूट लेते हैं। यहाँ पर लहसुन बहुत बड़े बड़े हैं, तो 3 ही लहसुन की जो कलियाँ हैं वो डालूंगी और 2 रख दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लहसुन इसमें सही नहीं रहेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही डाल दूँगी इसको। लहसुन अच्छा से दरदरा कूट जाए लहसुन और अदरक अच्छे से, तो हम इसके बाद में 1 टमाटर काट लेंगे, क्योंकि ये प्याज ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये रेसिपी मेरी नानी की है। मेरी नानी इसी तरह से ये सब्ज़ी बनाती थी, और आज आपके मैं सामने शेयर कर रही हूँ मेरी नानी का बनाया हुआ सब्जी खाना मुझे बहुत पसंद है। तो देखो ये हमारे प्याज के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और अब इसमें मैं टमाटर और जो साग मसाले ना ये सब डाल दूँगी मैं। तो सबसे पहले तो देखो मेरा नमक डब्बे में ख़त्म हो गया है, पहले डालना है, उसके बाद में मैं सब्जी में डालूंगी सभी मसाले। तो चलिए अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 चम्मच नमक डालूंगी, उसके बाद में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, और अब बारी आती है लाल मिर्च पाउडर की, तो यहाँ पे मैं 2.5 लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ मेरे पास पिसा हुआ नहीं है
धनिया वो साबुत पड़ा है, ला तो दिया उन्होंने मुझे, लेकिन अभी तक मैंने कूटा नहीं है, घर पर है ओपनिंग में, तो मैं थोड़ा सा मिक्सर मशीन अभी नहीं पीसूँगी, आज बहुत ज़्यादा है तो मैं मिक्सर मशीन अभी पीस लूँगी, ओपनिंग में नहीं कूटूँगी तो, लेकिन अभी मुझे ओपनिंग में कूटना है, कूट के डालना है इसमें, तो मैं साबुत धनिया लेकर है ना इसमें ओपनिंग में कूट कर तुरंत ही डाल दूँगी, इसकी खुशबू भी है ना ताज़ा धनिया की ताज़ा कूट के डालूँगी ना तो बहुत अच्छी आएगी। तो अब इसमें कूटा हुआ लहसुन भी डाल दिया हमने, मुझे पहले याद नहीं आया था, नहीं तो इसके साथ में मैं साबुत धनिया कूट कर इसके साथ में डाल देती। मैं लास्ट में मैं ओखलीखन खोल कर डाल रही हूँ, ये तो मेरा फेवरेट है, अगर ओखलीखन खोल कर नहीं डाला तो वो सब्जी कंप्लीट नहीं है मेरी। अब इस पर हम ढक्कन लगा कर रख देंगे, प्याज और टमाटर सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर थोड़े सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हमें दो तीन मिनट के लिए ढककर रखना है। तो चलिए जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं मिर्च मसाले और टमाटर तब तक हमने साबुत धनिया है ये कूट लेती हूँ ओखली में, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं है, मिक्सर में पीसने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, खाने बनाने का काफ़ी टाइम हो गया है और आज क्या है ना थोड़ा जल्दी बनाना है खाना मुझे, उस नए वाले घर में जाना है। भुजिया के अंदर टमाटर की सब्जी पहले मुझे इतना पता नहीं था, मेरी मम्मी तो सिंपल ही खाना बनाती थी, केवल भुजिया के साथ में टमाटर और प्याज नहीं डालती थी, ऐसे ही मिर्च मसाले घोल के उसमें डालते हैं ना वैसे डालती थी, तो मैं वो इतना पसंद नहीं करती थी, और वो दोपहर में जो ठंडी होती ना तब अच्छी लगती थी। ससुराल में आने के बाद में मम्मी जी इस तरह से बनाते थे तो मैं ना मतलब दो रोटी की जगह चार रोटी खा लेती थी, इतनी पसंद, और ये जब मम्मी जी बनाते थे ना ये सब्जी, ओहो इतनी घर में खुशबू, इतनी घर में खुशबू फैल जाती थी, क्या ही बताऊँ, मेरा मन उस टाइम करता था कि मम्मी जी मुझे ठंडी रोटी में डाल दी ना तब भी खा लूँ मैं, इतना अच्छा लगता था मम्मी जी का हाथ का वो स्वाद, वो सब्जी सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। अब तो क्या बूढ़े हो गए तो उनसे करवाते नहीं है काम, हमें खुद को डर लगता है, और उनसे काम अब क्या ही कराएं जब हम बहू हैं, उनसे क्यों कराएं काम, हम खुद ही उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना, अब मैं खुद पसंद करती हूँ अच्छा खाना बना के खिलाऊँ। तो यहाँ पे देखो मैंने धनिया कूटा तो है, थोड़ा और कूटना बाकी है क्योंकि ओखली में इतना मेन नहीं होगा जितना मिक्सर में, और वो जो बड़ी वाली ओखली होती है ना उसमें एकदम छोटा छोटा मेन हो जाता है। अब जब भी मैं मम्मी के वहाँ पे जाती हूँ ना तो मेरी मम्मी को सबको ना मैं इस टाइप से खाना बना के खिलाती हूँ ना, सबको बहुत पसंद आता है, और मेरे पापा जी को तो बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है, पापा जी जब भी मैं जाती हूँ ना तो पापा जी बोल देते हैं कि भाई बनाएगी सब्जी, तो कोई भी सब्जी होगी ना तो पापा जी बोलेंगे नहीं भाई बनाएगी ये सब्ज़ी, तो मुझे अच्छा भी लगता है, और ख़ास तो मेरे पापा जी को ना पुदीना की चटनी बनाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट बार मैंने वहाँ पे बनाई थी तो सब लोगों ने ना पुदीने की चटनी कम हो जाती है तो सब लोगों ने बोला कि पुदीने की चटनी इतनी क्यों, सारी सब्जियाँ छोड़ गई पुदीने तो सब चिपक गए, अब पुदीना आपको पता है कि एक किलो बनाएंगे ना तब भी है ना मतलब थोड़ा सा एक कटोरी जितना हो जाएगा पुदीना, तो आज भी है ना पापा जी जाते हैं तो वैसे ही करते हैं, कोई सब्जी होगी पापा जी बनेंगे नहीं भाई बनाएगी। मेरे पापा जी और मम्मी ने हम तीनों बेटियों का घर अच्छे से बसाने के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे और आज हमें अच्छे से वो रखते दिए हैं, जाते हैं तभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनका लाड दुलार प्यार ज़िंदगी में शायद ही किसी ने हमें दिया होगा, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अगले जन्म में भी हमें माँ बाप भी देना, फिर हमारे माँ बाप प्यार भी करते हैं और हमारा ना जो हमें सही गलत होता है ना वो भी बताते हैं, ससुराल में कैसे रहना है क्या करना है, आज उनकी बदौलत हम लोग यहाँ ससुराल में आराम से रह रहे हैं, क्योंकि हमने हमको उन्होंने कभी ये ना सिखाया नहीं कि वहाँ पे जाके ऐसा करना है, आपको अगर वो बात नहीं माने तो ऐसे झगड़ा करना, कभी भी नहीं सिखाया, पक्ष में कभी नहीं बोले हमारे कि ऐसा है वैसा है, कभी भी कुछ भी नहीं बोलते थे, तो आज हमारा घर अच्छे से बस गया है, तो आज पड़ोसी भी कहते हैं आपने ना जवाई बहुत अच्छे ढूंढे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने प्याज को एकदम ग्रेवी टाइप से कर लिया है और अब इसकी तरी जाडी हो जाएगी रस्सा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में हम
भुजिया डाल देंगे, तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। ये तो एक मिनट में ही गर्म हो जाएगा। अभी ये देखो पानी गर्म हो चुका है हमारा, तो अब मिला लेते हैं उसको मिलाकर, और ये सीधे भुजिया डाल देते हैं इसमें। भुजिया डालने के बाद में आपको तेज आँच पर नहीं रखना है, धीमी आँच पर ही रखना है, गैस को धीमी आँच कर देना है। अब इनको अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देना है। इसके बाद में थोड़ा सा मिला के और ढक्कन लगा के रख देते हैं, और इसको धीमी आंच में ही पकाना है, तेज आंच में नहीं। यहाँ पे मैं 2-3 मिनट के लिए ढक्कन रख रही हूँ। इसके बाद में देखो ये है ना, 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि भुजिया को तो सिर्फ गर्म पानी में डाल सकते हैं, उसको पकाना ऐसे उबाल लगाना वो नहीं होता, सिर्फ थोड़ा गर्म पानी हो जाए और उसमें भुजिया डाल के रखें, तो ये भुजिया देखो बनकर तैयार हो गया। आप चाहो तो इसमें रसा और कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो। मैं ऐसे ही खाना पसंद करूँगी, हमारी फैमिली में सब ऐसे ही खाते हैं, भुजिया का तरी नहीं करूँगी मैं। अब वापस से ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया कि मैं गैस चलाए, और ये देखो सब्जी में बहुत अच्छे से कलर भी आया है और खाने में इतनी स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा, जितनी दिखने में स्वादिष्ट लग रही है ना, उतना इस डबल खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए हमारी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख देते हैं और दूसरी तरफ हम रोटी बनाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब रोटी बनाना भी चालू कर दिया है। गेहूँ की है रोटी है ये, गेहूँ की, तो पहले ये बना लेती हूँ, उसके बाद में बाजरे की रोटी बनाऊँगी। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं खाना का, क्योंकि वो ट्यूशन क्लास जाने के जाकर आए थे, उसके बाद में उन्होंने दूध भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया, तो अब मुझे फटाफट से उनको रोटी बना के देनी है। तो इसीलिए मैं पहले गेहूं की रोटी बनाकर उनको खिला देती हूँ, फिर बड़ों की बारी आती है। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है ना, पहले बच्चे खा लेते हैं ना, उसके बाद में ही बड़े खाते हैं, बच्चे खाने के बाद में ही हम सब लोग खाते हैं। बच्चे खा लेते हैं ना तो हमें महसूस हो जाता है कि भाई हमने पूरा काम कर लिया हमारे घर का। तो चलिए बच्चों ने तो खाना खा लिया है, अब बड़ों की बारी है, तो उनके लिए मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी। जो गेहूं की रोटी खाना चाहेंगे ना वो गेहूं की रोटी खा लेंगे, जिनको बाजरे की खानी होगी वो बाजरे की खा लेंगे। इसके लिए मैं बाजरे का आटा लगा रही हूँ, और इस तरह से लगा रही हूँ, मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी बाजरे की रोटी बनाना, और मुझे खाना बहुत पसंद था। तो मेरी मम्मी ने एक बार क्या बोला था कि अगर तुझे खाना पसंद है तो तू सीख भी ले, ससुराल जाएगी तो कैसे बनाएगी कैसे खाएगी। आज मुझे मेरी मम्मी की वो बात आज भी याद है मुझे। इसके लिए मैं ना मम्मी जब छोटी थी उस टाइम जब मैंने रोटी सीखी थी तब, तो मम्मी से मैंने यही बात बोली, मम्मी मुझे सिखा दे, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। तो मम्मी से मैंने सीखने के लिए अपनी जोर तोड़ सब लगा दी कि मुझे सीखना है मुझे सीखना है। आखिरकार मैं अच्छे से रोटी बनाना सीख गई। आज मैं अपने आप रोटी ये देखो बना लेती हूँ अच्छे से, और मुझे बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगता, मैं फटाफट ना 10-15 लोगों की रोटियाँ बना देती हूँ। और मेरी मम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है, मम्मी ने मुझे अच्छे से सिखाया ये बाजरे की रोटी बनाना। और मेरी मम्मी की जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, मम्मी हमें हर चीज़ को सिखाने में रहती थी कि भाई हर चीज़ सीखे रहेगी तो ससुराल जाएगी ना, तो वहाँ पर किसी चीज़ के लिए अड़ेगी नहीं। तो आज देखो मैं जब भी मुझे पसंद है, मम्मी जी को भी बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, तो उनके लिए भी अभी बना रही हूँ। उन्होंने बोला जब तू तेरे लिए बना ही रही है तो हम सब के लिए एक एक रोटी बना दे, तो सबके लिए भी बना रही हूँ, बड़ों के लिए। और जब मैं ससुराल आई थी तब मम्मी जी जैसे मैं गेहूँ की रोटी बना के और मैं बाजरे की रोटी में हाथ डालती थी ना, तो मम्मी जी मुझे हटा देते थे, बोल देते थे कि ला मैं बना देती हूँ। तो उनको ये एहसास हुआ होगा शायद कि मुझे बनाना नहीं आता है, क्योंकि आजकल की लड़कियों को रोटियाँ ये गेहूँ की नहीं बनानी आती है तो बाजरे की कहाँ से आएगी, तो मम्मी मुझे हटा देती थी। एक दिन मैं ज़बरदस्ती मम्मी जी को बोला, नहीं मम्मी जी मुझे ही बनाना है रोटियाँ, मुझे आएगी नहीं लेकिन फिर भी आप देख लेना मैं कैसे बनाती हूँ, और अगर खाने लायक होगी तो आप खा लेना। तो मैंने उस दिन बनाई थी, उस दिन के बाद में मम्मी जी ने बोला मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रोटी बनाती है, अब तू ही बनाया कर ये रोटियाँ, और तेरे हाथ की अच्छी लगती है हमें खेरी खेरी रोटियाँ। उस दिन के बाद में ये रोटियाँ ना बाजरे की अब घर पे मैं ही बना के खिलाती। अब जब भी हमारे सर्दियाँ आती हैं ना तो मम्मी जी एक ही बात बोलते हैं कि बाजरे का आटा मंगवाओ बिलनी, बाजरे की रोटी बनाओ, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी। तो मैं
वो जब खाते हैं ना तो मेरा भी मन हो जाता है खाने के लिए, ऐसे अकेले तो मेरा भी नहीं होता है मन। तो अब देखो यहाँ पे आधे लोगों ने खाना खा लिया, आधे लोगों का बाकी है, जिसमें से मेरे हस्बैंड अभी बाकी हैं, उनके लिए मैं थाली लगा रही हूँ पहले। और आज उन्होंने बोला है भुजिया की सब्ज़ी है तो मुझे है ना बाजरे की रोटी दे देना इसके साथ में, तो उनकी थाली लगा कर लेकर जा रही हूँ मैं उनके लिए थाली। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और आप भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए।